किन्नर कैलाश जी के दर्शन यहीं से हो गए हमको। देखिए वहाँ पहाड़ी में बिल्कुल वो मिड में पहाड़ी है दोस्तों, इस पहाड़ी पे जाना है अपने को। जय भोले भाई, दिल खुश हो गया। बस देखते जाओ, आपको लैंडस्लाइड मिलेंगे अब देखने को गाइस। ये देखो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होने, मौज में होने। समय हो रहा है दोस्तों, सुबह का 8 बज रहा है और फाइनली आपके भाई बिल्कुल नहा धो के हेलमेट लेके गोप्रो लगा के बिल्कुल रेडी हो गए यहाँ से निकलने के लिए। जैसे कि मैं आपसे पहले मेरे ब्लॉग में कहा था कि इस बार हम जा रहे हैं किन्नौर कैलाश, तो फाइनली आज हम शिमला से निकल रहे हैं किन्नौर के लिए। ठीक है, तो बस हम निकल रहे हैं, अपने को बाइक के पास जा रहे हैं, बाइक लगी है 1 किलोमीटर ऊपर, तो वहाँ जा रहे हैं अभी हम। और व्यू देखिए पहले यहाँ का, ये देखिए भाई मॉर्निंग का व्यू देखिए, यहाँ पे शिमला का व्यू दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखिए बड़ा ही सुंदर व्यू रखा यहाँ पे, ये देखिए रास्ता, नीचे खाई है गाइस, खाई गहरी खाई। और अब तो आदत सी हो गई है दोस्तों ऐसे जीने में, और सूरज देवता जी के भी दर्शन हो गए हैं। देखिए भाई देखिए, अब रियल स्ट्रगल, शिमला का रियल स्ट्रगल तो यही है भाई। यहाँ पे जहाँ व्हीकल नहीं जाता वहाँ पे भाई बहुत परेशानी आती है। तो मनु कह रहा दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे जाखू मंदिर, देन उसी के बाद वहां से कंटिन्यू कर देंगे हम किन्नौर के लिए। और मैं बाइक चलाऊंगा आगे से, अभी नहीं चलाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को स्टोरीज अपडेट करनी है दोस्तों। तो आप ही दोस्तों स्टोरीज देखने के लिए फॉलो कर सकते हो मेरे को इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे लेटेस्ट अपडेट वहीं रहते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो ब्लॉग क्या था कि ब्लॉग रहता है थोड़ा डिले में, तो बस वो आ गया। जय श्री राम, श्री हनुमान मंदिर जाखू शिमला। अभी बिल्कुल सही है सिस्टम गाइस, यहाँ पे अभी बंदर भी नहीं उठे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है छुट्टी पे हैं आज, देख सकते हो, वरना यहाँ पे बहुत बंदर होते हैं गाइस, है ना। देख लेना चेन लूज है तो टाइट कर देना, तो लग तो मेरे को टाइट रही है। नारकंडा, ये नारकंडा दिखा रहा हूँ आपको मैं। अच्छी बात है दोस्तों, मौसम अभी साफ है यहाँ पे, शिमला में तो गाइस बारिश हो रही है, बट नारकंडा में मौसम बहुत सही है। ये रोड पूरी बैठ चुकी है यहाँ पे, ओह माय गॉड, देखो पूरा बैठ चुका है। बस देखते जाओ, आपको लैंडस्लाइड मिलेंगे अब देखने को गाइस। ये देखो, देखो देखो देखो, यहाँ पे भी देखिए, ओ भाई साहब अच्छे ट्रक हुए हैं भाई यहाँ पे भी देखो। दोस्तों टाइम हो गया 2:15, और अभी ज्यूरी है ना, ज्यूरी, हाँ ज्यूरी में यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, तो अभी यहाँ पे रुके हैं, हाथ मुंह धोए भाई, बहुत दस्त चिपका हुआ था मुंह पे, तो अभी यहाँ पे जाएंगे माथा टेकेंगे और आपको ये मंदिर भी एक्सप्लोर कराऊंगा अभी मैं, देखना बहुत अच्छा मंदिर है। और यहाँ निकलता है गर्म पानी, गर्म पानी यहाँ, गर्म पानी निकलता है यहाँ पर। ठीक है, कहाँ जैसे है और ये, चलो चलते अंदर। ये सामने हनुमान जी का मंदिर है शिव धूणा, और यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर है, देखिए हर हर महादेव। ये देखिए जी गर्म पानी आ रहा है, देखिए यहाँ पे सारा गर्म पानी आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे निकल रहा कहीं पे ये। किन्नौर गेट ले भाई, स्टोरी ले ले इंस्टाग्राम के लिए। चलो तो दोस्तों इंस्टाग्राम पे स्टोरी चेक कर लेना मेरा, ठीक है, वहाँ पे डाल रहे हैं सारे स्टोरीज हम, ये खींच खींच के फोटोज। तो यहाँ पे होनी है अपनी एंट्री, एंट्री करवानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है जी। दो चंडीगढ़ नंबर, चंडीगढ़ नंबर है एक ये और एक वो, तो ये भी किन्नौर कैलाश ही जा रहे हैं, ये चंडीगढ़ से आए हुए हैं दोस्तों, इनका चलान भी हुआ भी पीछे चेक पोस्ट पे। बड़ा लंबा जाम लगा है आगे तक, पता नहीं क्यों लगा है यार, पीछे तक लंबा जाम लगा है भाई, ना इस साइड की साइड को हो रही है ना इस साइड की साइड को हो रही है, और वहाँ पे कॉर्नर में सड़क के स्कॉर्पियो,
वरना हमारी बाइक्स ना उस साइड से निकल जानी थी। यार अब देखते हैं क्या होता है भाई, बहुत बुरे फंसे हम तो यहाँ पे। हेलो कर देना यहाँ पे किन्नौर कैलाश, हम भी जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, वाह 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 क्या बात है यार, बोले भक्त मिलना शुरू हो चुके हैं दोस्तों, क्या बात है, जाके भी आ गए। क्या ही बोल रहे यार, किन्नौर कैलाश जी के दर्शन यहीं से हो गए हमको। देखिए वहाँ पहाड़ी पे, बिल्कुल वो मिड पे पहाड़ी है। हाँ वहाँ पे बोर्ड लगाया आगे। वाह दोस्तों, इस पहाड़ी पे जाना है अपने को। जय भोले भाई, दिल खुश हो गया, यहीं से दर्शन हो गए भाई अपने को। वाह 14 किलोमीटर का, 14 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़नी है दोस्तों अपने को, खड़ी पहाड़ी है। ओके सो फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं सोंग ठोंग, और यहाँ पे लगा है किन्नौर कैलाश जी के लिए लंगर। देखिए सारे यात्री यहाँ पर रुके हुए हैं। सिद्ध कृपा सेवा दल जलंधर, जलंधर वालों को लंगर लगा यहाँ पे। तो दोस्तों आज की स्टे हम यही लेने वाले हैं और कल यहाँ से ट्रैक पे निकलना है, ठीक है। और ये लगा है जी लंगर जलंधर वालों का, यहाँ पे भाई रहने खाने का सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ है यहाँ पे। तो एक लंगर और भी लगा है, वो कहते हैं 1 किलोमीटर आगे लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि पवारी के पास लगा है ना, तो मैंने सोचा कि यहीं रुकते हैं, यहाँ सही है, यहीं रेस्ट करते हैं अब। और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को दोस्तों शेयर करें, ठीक है। हर हर महादेव।